हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिहार एसएससी का इंटर लेवल सेट नंबर 12। इसके पहले मैं प्लेटफार्म का, ज्ञान बिंदु का, प्लस बिहार बेल्टोन के लिए भी मैं कंप्यूटर का क्वेश्चन मैं लोड कर रहा हूँ, उसको भी जाकर देख सकते हैं। प्लस रेलवे के लिए भी साइंस का मैं क्वेश्चन लोड किया हूँ, उसको भी जा सकते देख सकते हैं। जो आप पावर होल्डिंग का जो एक फॉर्म अप्लाई किए थे उसके लिए मैं भी सेट लोड कर चुका हूँ। अब मेन चीज़ एक चीज़ और बताएँ, जो बेल्टोन का कंप्यूटर का सेट मैं लोड कर किया हूँ उसमें आपको 15 क्वेश्चन पावर होल्डिंग का कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। बेल्टोन वाला के लिए तो है ही कंप्यूटर का सेट, प्लस उसमें कंप्यूटर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लोड किया हूँ। चलिए बिहार एसएससी का प्रेस्टेट बुक शुरू करते हैं। सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य होते हैं। तो भारत में कितने राज्य होते हैं, 29 राज्य हैं। चलिए अशोक की राजधानी कहाँ थी, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। टाइम बहुत कम लेने वाला हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस इसमें नहीं करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। अरुणाचल प्रदेश आपका भारत के उत्तरी पूर्व में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में हुआ था। आपका कोयला तथा लोहा कहाँ मिलता है, तो कोयला तथा लोहा आपका झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ किनके लिए पूर्ण स्थान है। तो आपका सारनाथ किसके लिए था, तो बौद्ध के लिए था सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है। तो गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है भाई, तो उड़ीसा में नहीं बहती है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश, बंगाल में जाके, बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। लद्दाख किस राज्य में है, तो लद्दाख आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, लद्दाख है। सोना किस राज्य में मिलता है, तो सोना आपका कहाँ मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था। गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था, इनमें से सभी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह करवे किए थे, असहयोग आंदोलन किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। इन बहुत इजी क्वेश्चन इसमें दे रहा है, फिर भी आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा क्योंकि इजी क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन से, तो आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जनगण मन किनके लिए गाया गया था। जनगण मन आपका गाया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने गाया था। अगला क्वेश्चन है, बाबू कुंवर से किस युद्ध में लड़े थे। तो बाबू कुंवर से आपको लड़े थे 1857 में लड़े थे, विद्रोह में लड़ाई हुआ था उनसे। चलिए भारत राष्ट्रगान कब बना था। भारत का राष्ट्रगान बना था, भारत गणराज्य कब बना था, गणराज्य बना था 1950 में बना था। भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध घटित हुआ था इनमें से सभी वर्षों में, नक्सल आंदोलन भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध घटित हुआ था इनमें सभी वर्षों में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1948 में हुआ था, 1971 में हुआ था। 17 नंबर, पोखरम किस लिए विख्यात है। तो पोखरम किस लिए विख्यात है, अणु विस्फोटक के लिए, वहाँ अणु विस्फोटक किया गया था पोखरम में, इसमें फिल्म भी बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है। तो मधुबनी कला के लिए कौन सा राज्य विख्यात है, बिहार आपका विख्यात है। हिटलर किस देश के थे, तो हिटलर आपका देश के थे जर्मनी देश के थे। दक्षिण ध्रुव का क्या है, तो दक्षिण ध्रुव आपका एक महादेश है।
कालिदास के लिए कालिदास ने क्या लिया लिखा था कालिदास ने क्या लिखा था तो कालिदास ने आपको लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। अगला क्वेश्चन है कोणार्क, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क आपका स्थित है उड़ीसा में स्थित है, पुरी, जो पुरी में है। आपका सी वी रमन कौन थे? सी वी रमन क्या चीज़ के लिए स्थित है, विख्यात थे? सी वी रमन आपका वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस लिखा था आपका तुलसीदास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है राजगीर कहाँ स्थित है? राजगीर आपका बिहार में है, आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। एक 26 का क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत क्या है? तो भारत एक प्रकार का इनमें से सभी एक गणराज्य है, एक संसद है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत तीनों है। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। जमशेदपुर टाटा ने क्या किया था? जमशेदजी टाटा ने क्या किया था तो भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया था टाटा ने। हर हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? मक्का में जाता है हज करने के लिए मुस्लिम। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, ओडिसी क्या है? ओडिसी एक प्रकार का है आपका एक नृत्य कला है, ओडिसी नृत्य कला है, उड़ीसा वाला के लिए, उड़िया के लिए। स्थान लोग कहाँ रहते हैं तो आपका झारखंड में रहते हैं। विश्वनाथन आनंद क्या थे? विश्वनाथन आनंद एक थे शतरंज है, याद रखिएगा शतरंज है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, पंडित रविशंकर क्या थे? तो पंडित रविशंकर थे आपका डी नंबर, एक विख्यात सितार वादक थे, रविशंकर सितार बजाते थे। बिरसा मुंडा क्या बजाते थे? तो बिरसा मुंडा आपको एक जनजाति विद्रोही थे। हाँ विद्रोही थे। 1899 से 1890 के क्षेत्र में मुंडा जनजाति ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। क्या है? अर्थव्यवस्था से संबंधित है पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है मलयालम भाषा ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? तो मलयालम भाषा आपका बोली जाती है बी नंबर केरल में बोली जाती है मलयालम। संतोष ट्रॉफी किससे? फुटबॉल से है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार आपका कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ हरियाणा में स्थित है। नालंदा एक प्रकार का क्या है? तो नालंदा एक प्रकार का विश्वविद्यालय है। खालसा किस धर्म से है? खालसा आपका किस धर्म से है? तो सिख धर्म से है, खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह। निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आपको पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है ना पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या था? तरमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था।
इसलिए विज्ञान दिवस 28 तारीख को मनाया जाता है रमन के लिए। आदि मानव के सर्वप्रथम सीखा था, क्या सीखा था? आदि मानव आग जलाना सीखा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसका पूजा करते थे? सिंधु घाटी का पशु पति की करती थी। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? तो मानव द्वारा उपजाए गए गेहूं एवं जौ थे। सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो आपका हाइड्रोजन होता है। नोबेल पुरस्कार हस्ताब अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे कब, कहाँ के थे अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल आपका थे स्वीडन के थे, अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे, जन्म उनका था। चलिए विज्ञान का क्वेश्चन आ गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस निकलती है? आपका ऑक्सीजन निकलता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए आलू के पौधे में पाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? जल, आलू में जल पाया जाता है। आलू में कौन सा पौधा पाया जाता है? तना, आलू में तना होता है, जो गोल होता है उसमें तना का रूप लेता है, जो लंबा होता है जड़ का रूप लेता है, मूली गाजर ये सब जल में आता है, जड़। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का तापमान बढ़ जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न फसलों की खेती के लिए खेती के क्षेत्र के हिसाब से निम्न क्रम सही क्या है? आपका खेती के क्षेत्र से निम्न क्रम क्या है? तो आम, केला, नींबू और प्रजाति अनानास होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्गीकृत सजीव यांत्रिक उच्चक के रूप में किया जाता है? तो आपका कौन सा उच्चक के रूप में किया जाता है? यांत्रिक आपका हो जाएगा 56 का दिन खम मुद पाया जाता है। 57 नंबर है, जो जीव अपना जो भोजन संश्लेषण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ए नंबर सर्वपोषी कहलाते हैं। किसका पत किसका किसान का परम सहायक कौन होता है? तो केचुआ होता है किसान का परम सहायक। अगला क्वेश्चन है, हैजे के रोगाणु फैलते हैं, किससे हैजा फैलता है भाई? तो हैजा आपका फैलता है घरेलू मक्खी से फैलता है। निम्न वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होता है, कुनैन किससे मिलता है? तो कुनैन आपसे मिलता है सिनकोना से, पेड़ से कुनैन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अमीबी पेचिस पैदा करता है? तो कौन अमीबा पेचिस पैदा करता है? बी नंबर एंट अमीबा हिस्टोलिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बच्चे को जन्म देता है? जब बच्चे को जन्म देता है, एक नंबर सशक्त देता है बच्चे को जन्म, सबसे ऊंची सजीव वृक्ष है, सबसे ऊंची सजीव वृक्ष क्या है? यूकेलिप्टस होता है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है, इंसुलिन से मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली अब भारत में लुप्त हो चुकी है? तो कौन सी प्रणाली लुप्त हो चुकी है? चीता अब भारत में बहुत कम मात्रा में मिलता है। मनुष्य की चौथा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन, सूर्य से प्रकाश जो होता है उसमें कौन सा विटामिन मिलता है? आपका डी नंबर विटामिन डी मिलेगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु 9 इलेक्ट्रॉनिक 9 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 57 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अणु के न्यूक्लियर में हो सकते हैं एक प्रोटॉन, एक 2 न्यूट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा हूँ। सही उत्तर आपका हो जाएगा एक और 2 हो जाएगा, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है एक अणु में। अगला क्वेश्चन है, जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो वह प्रतीक होता है, क्या प्रतीक होता है भाई? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा,
काला प्रतीक होता है, हरे में लाल देखा जाता है, लाल फूल में हरे देखा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, काला विवर नाम इसलिए दिया गया है कि, आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकसित करने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपचयन को कहते हैं, क्या अपचयन को कहते हैं, बी नंबर आयनीकरण कहते हैं। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 72 नंबर, यदि वायुमंडल न होते तो धरती की सतह का औसत तापमान कितना होता, वायुमंडल नहीं होता धरती का तापमान कितना होता। तो आपका अधिक हो जाता, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न प्रकार की विवरण से अधिकतम तरंग दैर्ध्य का चयन करें, निम्न प्रकार लाल आपका प्रकाश निम्न अधिकतम तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है लाल का, अगला क्वेश्चन है, तब पृथ्वी सूर्य से चारों ओर घूमती और सिद्धांत को निरूपित निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम आधार प्रदान करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विभिन्न ऋतुओं को होना। यहाँ के बाद आपका क्वेश्चन, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कुछ बीच में मैथ मिल जा रहा है, रुकिए एक मिनट, अभी साइंस का क्वेश्चन अभी है, ब्राउनी गति के लिए, ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्दिष्ट देते, ब्राउनी गति से कौन सा क्वेश्चन निर्दिष्ट है, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, द्रव में शुष्क कणों की यादि का जाति होता है, बीटा किरणें वास्तव में होते हैं, बीटा किरणें किस में होते हैं, तो आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, रेडियोधर्मिता न्यूक्लियर द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक घर में लगे जो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है, 78 का बी नंबर हो जाएगा, चमकीला बल्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, तार पर जब पक्षी बैठा है तो उसको क्या लाइन मारेगा या नहीं मारेगा, कैसा प्रतीक होगा, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, वह अप्रभावित रहता है, उसको प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा होता है, तो आपका इस्पात होता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, परिणामोत्तरों का प्रयोग होता है किसमें होता है, तो आपका एक केवल डी सी परिपक्षों में होता है, शुद्ध सिलिकॉन होता है, शुद्ध सिलिकॉन किसमें होता है, अर्ध संचालक संवाहक होता है, सिलिकॉन में विद्युत नहीं होता है जाता, सौर कोशिका में प्रयुक्त तो होने वाला पदार्थ क्या है, सौर कोशिका में सिलिकॉन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आदर्श धातु है, तो आदर्श धातु कौन सा है, डी टंटालियम होता है, स्टासियम होता है। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता मापा जाता है, जल की कठोरता किस में मापा जाता है, एक नंबर आंसर आपका हो जाएगा, EDAT तरीके से नापा जाता है, EDAT तरीके से जल की कठोरता नापा जाता है। अब यहाँ के बाद आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया, मैथ का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिल रहा है मेरे वीडियो को, मैथ रीडिंग सब मैं अभी NTPC का भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ सेट। जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन